नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज डिवाइसेस नाम से ही समझ में आता है, यानी कि वो डिवाइसेस, वो प्रणालियां जिनका यूज करके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को स्टोर किया जाता हो। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के अतिरिक्त कंप्यूटर में एक और प्रकार की मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो इंटरनल मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में एक एक्सटेंडेड मेमोरी का यूज किया जाता है, जो कि आमतौर पर हार्ड डिस्क के फॉर्म में होती है या मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड के फॉर्म में होती है। इस एक्सटेंडेड मेमोरी को ही स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है और यूजुअली इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल अर्थात विद्युत प्रवाह बंद किए जाने पर नष्ट नहीं होने वाली होती है। इसका मतलब यह है कि इस तरह की मेमोरी में एक खास बात होती है कि अगर इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं भी मिलती है, करंट नहीं भी मिलता है, तो भी अपने डेटा को लूज नहीं करती, खोती नहीं है। जैसे सीडी या डीवीडी हुई, हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव हुई, इनमें जो भी डेटा रखा जाता है, अगर वो करंटली ये डिवाइस एक्टिव नहीं हो, सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो, डिटैच हो, उस स्थिति में भी ये डेटा को लूज नहीं करती है, डेटा को अपने पास सुरक्षित रखती है। इस मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी या अतिरिक्त मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, अतिरिक्त मेमोरी यानी एक्सटेंडेड मेमोरी भी कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस मेमोरी के फॉर्म में हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है, मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है, सीडी डीवीडी, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप पुराने समय में यूज होते थे, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क भी पुराने समय में यूज होती थी, पेन ड्राइव, सीडी रोम आप अभी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये सारे ही सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, या यूं कहें कि स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी तरह की होती हैं, इन्हें हम उनकी वर्किंग के बेस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस यानी क्रमिक एक्सेस इकाइयां और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस यानी डायरेक्ट एक्सेस इकाइयां। देखिए, जिस तरह से अभी के समय में हम हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में, सीडी डीवीडी वगैरह में, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, पुराने समय में भी डेटा स्टोरेज होता था। उस समय जब पेन ड्राइव ज्यादा यूज टू नहीं थी या अवेलेबल नहीं थी, उस समय फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था, या फिर आपने ऑडियो कैसेट के बारे में सुना होगा, वीडियो कैसेट यूज में ली जाती थी। तो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट भी स्टोरेज डिवाइसेस ही थी, उनमें भी सॉन्ग्स और वीडियोस को स्टोर किया जाता था, लेकिन वो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस का एग्जाम्पल थी, क्योंकि उनमें डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड की प्रोसेस करनी होती थी। मान लीजिए कि कोई ऑडियो कैसेट में थर्ड नंबर का सॉन्ग प्ले हो रहा है और हमें फिफ्थ नंबर का सॉन्ग प्ले करना है, तो हमें उसे आगे की ओर फॉरवर्ड करना पड़ता था, या हम फोर्थ नंबर का सॉन्ग सुन रहे हैं और हमें फर्स्ट नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो हमें बैकवर्ड करना होता था। अब जब हम फोर्थ नंबर का सॉन्ग सुन रहे हैं और हमें फर्स्ट नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो हम बैकवर्ड करेंगे तो पहले तेजी के साथ रील उसकी फोर्थ के बाद थर्ड ट्रैक पे आएगी, थर्ड सॉन्ग के बाद सेकंड सॉन्ग पे आएगा, और फिर उसके बाद वो फर्स्ट सॉन्ग पे आएगा। ये इस तरह का जो एक्सेसिंग थी वो सीक्वेंशियल एक्सेसिंग कहलाती थी। अब इसके विपरीत अभी की हम सीडी डीवीडी की अगर हम बात करें, तो सीडी में मान लीजिए हम फोर्थ नंबर का सॉन्ग सुन रहे हैं और हमें फर्स्ट नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो जैसे ही हम फर्स्ट नंबर का सॉन्ग प्ले करेंगे, ट्रैक फोर्थ से 3-2-1 होकर के नहीं, डायरेक्ट 4-1 की ओर आ जाएगा। डीवीडी में भी यही है, डीवीडी में जैसे आप कोई मान लीजिए सॉन्ग सुन रहे हैं, 100 नंबर पर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, और अब अगर आपको 10th नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो आपको एक एक करके सॉन्ग बैकवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप 10th नंबर का सॉन्ग प्ले करेंगे, ऑटोमेटिकली वो 100 से सीधे 10th नंबर के सॉन्ग पर आ जाएगा। तो इस तरह का जो एक्सेसिंग होती है, इसे डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्टोरेज करने के लिए जैसे पुराने समय में कैसेट्स का यूज करते थे, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट का, ठीक उसी तरह स्टोरेज के लिए अभी हम सीडी डीवीडी का यूज करते हैं, लेकिन दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस की वर्किंग पॉलिसी अलग अलग है। पुराने समय की ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट,
डेटा स्टोरेज करने के लिए सिक्वेंशियल एक्सेस का यूज करती थी, और अभी के समय में जो सीडी डीवीडी वगैरह है या पेन ड्राइव है वो डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति देती है। डायरेक्ट एक्सेस इकाइयों में सूचना को सीधे उसी स्थान से पढ़ा जा सकता है जहां उसे लिखा गया हो, एवं मेमोरी में सूचना को कहीं भी रिक्त स्थान पर लिखा जाता है। इसमें सूचना को ढूंढने के लिए आगे या पीछे यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की प्रक्रिया नहीं करनी होती है, जिससे ये इकाइयां सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक तेजी से डेटा को लिख व प्राप्त कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑडियो कैसेट में आपको मैंने जैसे बताया कि अगर मान लीजिए फोर्थ नंबर का ट्रैक आप सुन रहे हैं और अगर आपको फर्स्ट ट्रैक पर आना है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इस तरह के डायरेक्ट एक्सेस में क्योंकि फोर्थ से फर्स्ट पे हम डायरेक्ट आ सकते हैं, इसलिए यहां पर डेटा एक्सेस करना थोड़ा कम समय लेता है। अब जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए हम आज के समय में हार्ड डिस्क का यूज करते हैं या एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का यूज करते हैं, तो पुराने समय में हार्ड डिस्क या एसएसडी नहीं होती थी, तो उस समय डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप, जहां पर भी टेप लिखा हो तो आप समझ जाएं कि सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित है। सीक्वेंशियल मतलब जैसे ऑडियो कैसेट में रील होती थी, वीडियो कैसेट में रील होती थी, पुराने समय में जो फोटो खींचे जाते थे तो फोटो की खींचने के लिए जो स्टोरेज होता था वो रील के थ्रू होता था, तो टेप जहां पर लिखा हो ये समझ जाएं कि ये रील पर आधारित स्टोरेज डिवाइस है। देखिए लिखा भी है, डेटा को स्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए करने वाले उपकरणों में मैग्नेटिक टेप का नाम प्रमुखता से आता है, यानी कि आता था, पुराने समय में ही होती थी। इसमें आधा इंच चौड़ाई वाली प्लास्टिक को बिना जोड़ वाली इसमें आधा इंच वाली प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली लंबी पट्टी होती है जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। इस पट्टी को ही हम टेप कहते हैं, यानी कि जो ऑडियो कैसेट में आप रील देखते थे या वीडियो कैसेट में रील देखते थे, यहां उस टेप की बात हो रही है। टेप विभिन्न लंबाइयों में उपलब्ध होती हैं, प्रायः 400, 800, 1200 या 2400 फीट लंबाई वाले मैग्नेटिक टेप उपलब्ध होते हैं। यूं समझ लीजिए जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना उसमें स्टोरेज भी ज्यादा होता था। ये देखिए इस विजुअल में ऑडियो कैसेट का चित्र दिखाया गया है। ऑडियो कैसेट में भी रील सिस्टम पर आधारित थे, तो यूं कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक टेप पर आधारित डेटा स्टोरेज डिवाइस थी। टेप पर डेटा मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। एक अक्षर के लिए 7 बिट या 8 बिट का कोड प्रयोग में लिया जाता है। बिट 0 या 1 को बोला जाता है। एक बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो एक अक्षर के लिए या तो 7 बिट या 8 बिट का कोड प्रयोग में लिया जाता था। इसका मतलब यह है कि एक अक्षर के लिए 7 या 8 मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड बिंदु होते थे। एक बार लिखे मैग्नेटिक टेप को कई बार पढ़ा जा सकता है, मतलब यह है कि जैसे हम ऑडियो कैसेट को कई बार सुन सकते थे, वीडियो कैसेट कई बार देख सकते थे। डाटा की उपयोगिता खत्म होने पर डाटा को मिटाया जा सकता है या उसके ऊपर से बिना मिटाए ही दूसरा नया डाटा लिखा जा सकता है। पुराने समय में क्या होता था कि जैसे ऑडियो कैसेट में हमने गाने डलवाए, गाने डलवाने के बाद जब हम गाने सुन लेते थे और कई समय बाद जब हमें लगता था कि हमें नए गाने डलवाने चाहिए, तो कई बार हम ये भी करते थे कि उसी कैसेट पर दोबारा से गाने रिकॉर्ड करवा लेते थे, तो वो नया वाला गाना पुराने वाले डेटा पर ओवरराइट हो जाता था। ये लिखा है यहाँ पर, इस दिशा में पहले से लिखा डेटा अपने आप ही खत्म हो जाता था व नया डाटा इसका स्थान ले लेता था, वैसे ही जैसे टेप रिकॉर्डर के कैसेट में एक बार रिकॉर्ड किए गाने को मिटाकर नया गाना रिकॉर्ड किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि डेटा स्टोरेज के लिए सबसे शुरू में जो पद्धति प्रयोग में ली गई वो मैग्नेटिक टेप की पद्धति थी, तो उस समय उपयोग में ली जाने वाले वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, ये सब मैग्नेटिक टेप के ही एग्जांपल्स थे। मैग्नेटिक टेप सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसमें डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता था। सिक्वेंशियली मतलब जैसा मैंने पहले बताया, एक के बाद एक के क्रम से स्टोरेज होता था, रीड भी वो एक के बाद एक के क्रम से ही करता था, तो इससे एक डेटा से दूसरे डेटा तक डायरेक्ट पहुंचा नहीं जा सकता था, तो थोड़ा टाइम लेता था। इसके बाद भी इसका बेनिफिट यह था कि यह एक सस्ता और भरोसेमंद उपकरण है, और थोड़ी परेशानियां ये थी कि इस तरह के कैसेट्स में धूल कणों से बचाव करने की जरूरत होती थी। थोड़ी सी भी धूल या मॉइस्चर लगने के कारण ये रील आपस में चिपक जाती थी, चिपकने के कारण इसकी क्वालिटी खराब होती थी, और कई बार ऐसा होता था कि डेटा उसमें यूज करने के लायक नहीं रह पाता था। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं।
मैग्नेटिक टेप के बाद स्टोरेज डिवाइसेस के फॉर्म में मैग्नेटिक डिस्क अस्तित्व में आई। यहां पर टेप लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ जाएं कि सीरियल एक्सेस नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस होगा। तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में ये कहा जा सकता है कि अधिक तीव्र गति से डेटा को इनपुट आउटपुट के माध्यम के रूप में तथा रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क अतिरिक्त मेमोरी के साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह ग्रामोफोन रिकॉर्ड के समान डिस्क होती है। डिस्क मतलब जहां पर भी डिस्क का इस्तेमाल हो वहां पर एक कल्पना आप कर सकते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में भी सीडी की तरह ही एक गोल प्लेट जैसी एक डिवाइस लगती थी। यह डिस्क सिलिका प्लेट की होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थों का लेप रहता है, यानी कोटिंग रहती है। यह प्लेट 6 या अधिक संख्या में एक पैक के रूप में एकत्रित होती है जिसे डिस्क पैक कहते हैं। यह डिस्क पैक एक मुख्य अक्ष पर यानी एक्सिस पर काफी तीव्र गति से घुमाया जाता है। मतलब जैसे अभी के टाइम में आप सीडी डीवीडी प्ले करते हैं तो सीडी डीवीडी अपनी एक्सिस पर बहुत तेजी के साथ घूमती है, तो उसी तरह से मैग्नेटिक डिस्क में भी ये डिस्क अपनी ही एक्सिस पर बहुत तेजी के साथ घूमती थी। इस डिस्क पैक के ऊपरी डिस्क की सबसे ऊपरी परत को छोड़कर शेष सभी डिस्कों के दोनों ओर चुंबकीय तथा अचुंबकीय बिंदुओं के रूप में डेटा तथा सूचनाओं को लिखा जाता था। यानी इसमें इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होती थी वो मैग्नेटिक कॉम्बिनेशंस का मैग्नेटिक कॉम्बिनेशंस के पॉलिसी को यूज करके स्टोर होती थी। मैं एक बात आपको यहां पर बता दूं कि डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक पॉलिसी का यूज इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि मैग्नेट जितनी शक्ति के साथ डेटा को खींच सकता है उतनी ही शक्ति के साथ डेटा को रिपेल भी कर सकता है। रिपेल मतलब दूर फेंकना। मैग्नेटिक डिस्क को डायरेक्ट एक्सेस इकाई भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्क पर सूचना या डाटा लिखते या पढ़ते समय यह आवश्यक नहीं है कि क्रमिक रूप से कार्य किया जाए। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि यहां पर क्योंकि टेप लिखा हुआ नहीं है इसलिए यह रील सिस्टम पर आधारित नहीं है, डिस्क सिस्टम पर आधारित है। और जो भी स्टोरेज डिवाइस डिस्क सिस्टम पर आधारित होगी उसमें कभी भी सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता, आप डायरेक्ट एक डेटा से दूसरे डेटा पे जा सकते हैं। डिस्क एक स्थिर गति से घूमती है, स्थिर गति से मतलब एक प्रॉपर स्पीड के साथ रोटेट होती है उसी एक्सिस पर, और डिस्क की सतह पर ही पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया की जाती है। यानी कि डिस्क से जब भी कोई डेटा निकाला जाता है तो उसकी सतह से ही निकाला जाता है और उसकी सतह पर ही डेटा को लिखा जाता है। इस चित्र में मैग्नेटिक डिस्क की संरचना को दिखाया गया है। ये आप देखिए डिस्क है जिसमें डेटा राइट होता है, डाटा स्टोर किया जाता है, और ये जो आप हेड्स देख रहे हैं ये हेड्स डेटा को निकालने का काम करते हैं और यही हेड्स डेटा को डालने का भी काम करते हैं। यानी कि इस डिस्क में डेटा राइट करने के लिए भी हेड्स का प्रयोग किया जाता है और डेटा रीड करने यानी पढ़ने के लिए भी इन्हीं हेड्स का प्रयोग किया जाता है। डेटा रीड और राइट यानी कि डेटा डालते समय डिस्क पर या डेटा रीड यानी डेटा निकालते समय ये डिस्क अपने ही एक्सेस पे घूमती रहती है और ये जो हेड आप देख रहे हैं ये हेड स्थिर रहते हैं। स्थिर मतलब अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं और एक ही स्थान से डिस्क घूमती जाती है और ये डेटा को आवश्यकता के अनुसार राइट करते हैं या आवश्यकता के अनुसार रीड करते जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक डिस्क वर्क करती है और बेसिकली ये एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। तो याद रखें कि इसका प्रॉपर जो वर्क है वो डेटा स्टोरेज का ही है।